करनी ता उस एक अकाल पुरख की पूजा कर, उसे नू ही पूज, पूजो हो राम, ओ राम जेड़ा हर जगह मौजूद है, ओ सर्वव्यापी राम उस दी पूजा कर। ऐ जिहड़े दिखावे दे फोके करम, इन्हां फोकट करमां नूं छड्ड दे, इन्हां नाल ओ राम प्रभु खुश नहीं होवेगा, ओ भगवान इन्हां करमां ते रीझेगा नहीं। कई लोग दूसरे लोगों नूं खुश करन वास्ते, दुनिया नूं खुश करन वास्ते धर्म दे काम करदे ने, उन्हां दे हिरदे विच धर्म नहीं हुंदा, पर कि दुनिया मैनूं चंगा कवे इस लई तीर्थ यात्रा करनी, कि लोग मैनूं चंगा आखण, लोग कहण कि ये भला पुरश है।
जे उसदे मन तो पुछ के वेखिए तो उसनू तीर्थ ते जाण दी कोई जरूरत नहीं। उसदे मन अंदर धोरे अंदर तीर्थ दी कोई कीमत नहीं। वो किस वास्ते गंगा जी गया है उसनू पता नहीं। कई गंगा जी पहुँच के भी बुरियाइयां कर दें। कारण एहो है कि उसनू पता नहीं कि मैं गंगा जी किस लई आया। माँ बाप ने आख्या कि साडा बच्चा धर्मी नहीं, गुरुद्वारा नहीं जांदा, मंदिर नहीं जांदा। कई बार माँ बाप दे रिश्तेदारां दे आंढ़ियां गुआंढ़ियां दे ताने मेहणियां तों डरदा होया आदमी ऐसे कर्म तां करन लग पैंदा है, पर उसनू इन्हां कर्मां दी सच्चाई दा कोई पता नहीं कि ये कर्म मैं किस लई कर रहा। तो कबीर जी कहंदे ने कि इस तरह दिखावे दे तीर्थां ते जाना, दिखावे दा इशनान करना, दिखावे दी पाठ पूजा करनी, इस तरह कदे ओ प्रभु भगवान ओ राम रीझिया नहीं। साचा नावण तां गुर की सेवा है अते पूजा करनी है एक उस व्यापक प्रभु दी, उस राम दी। गुरसिख नूं जदों अमृत छकाया जांदा पंज प्यारे रहत मर्यादा दस दिन, उस विच ए भी दस्या जांदा है कि तेरा इष्ट अकाल पुरख है। भैरों भूत गुग्गा सखी सरवर जंतर मंतर तंत्र टूणे टामण, 33 करोड़ देवते इत आदक, इन्हां चीजां नूं नहीं मनना, इन्हां वहमां भरमां विच नहीं पैना। पूजा करनी है एक उस अकाल पुरख दी। तेरा इष्ट है इक्को, इसे गल नूं कबीर जी शब्द विच कहिंदे ने कि ऐ इंसान जे तू सच दे मार्ग ते तुरना है तां एक उस राम दी पूजा कर। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। पूजो राम, पूजो राम। अंतर मैल जे तीर्थ नावे, तिस बैकुंठ न जाना। कहंदे ने कि जे तेरे अंदर मैल है, मन मैल है, ते चलिया गया तीर्थां ते नहाउण वास्ते, ये बैकुंठ नूं जाण दा मार्ग नहीं। क्योंकि उत्थे निवास तां मिलेगा जे तेरी नीत साफ होवेगी। मन मैला होवे, मन विच ठगी होवे, मन विच ये पंजे चोर होण, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ते चलिया जावे तीर्थां ते, मन मैला होवे
निंदा नाल चुगली नाल ईरखा नाल भरिया होवे। लोकां नूं तीर्थां ते नहा नहा के दिखाउंदा फिरे तां कबीर जी कहिंदे ने बैकुंठ नहीं जा सकेगा। अंतर मैल जे तीर्थ नावे बाणी विच लिखिया है, मन मैले सब किछ मैला, जे मन मैला तां सब कुछ मैला है, फिर तां तेरा तीर्थ नाता होया भी मैला है, पाठ कीता होया भी मैला, पूजा कीती होई भी मैली है, जे मन मैला ते सब किछ मैला। मन मैले सब किछ मैला, तन तोते मन अच्छा न गोए, शरीर दे धोण नाल मन कदे अच्छा नहीं हो सकता, साफ नहीं हो सकता। ताही कबीर जी कहंदे ने अंतर मैल जे तीर्थ नावे, तिस बैकुंठ न जाना। अंतर मैल जे तीर्थ नावे, तिस बैकुंठ न जाना। लोकपति कछु न गोवे, नाही राम आना। लोकां नूं खुश करके तू बैकुंठ नहीं जा सकेगा, गुरु दे चरणा विच निवास नहीं पा सकेगा। ते ओ राम, ओ भगवान, ओ अकाल पुरख, ओ न्याणा नहीं, बच्चा नहीं कि तेरे इन्हां कीते हुए कर्मा ते रीझ जावेगा, वो ता तेरे अंदर दी प्रीत चाहुंदा है। लोकपतीने कछु न गोवे, ना ही राम आना, ना ही ना ही राम आना, राम आना। जो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। जो राम एक ही देवा, चानावण गुर की सेवा। पूजो हो राम, पूजो हो राम। जल के मजन जे गत गोवे, नित नित में डुक नावे। कबीर जी कहंदे ने कि जे जल दे इशनान करन नाल तेरी गत होवे, रोज रोज उस पानी विच डड्डू नहा रहे हैं। मेंढक दा मतलब डड्डू। जे तू पानी विच नहा के ये समझदा है कि तेरी गति हो जावेगी,
तां डड्डुआं दी भी गति होनी चाहीदी सी। उह नित नहा रहे ने। कबीर जी तां कहिंदे ने, नावण चले तीरथी मन खोटे तन चोर। तीर्थां ते नावण वास्ते तुर पे कई बार वेखी दा। धार्मिक स्थानां दी यात्रा वास्ते जांदे ने लोक, ते यात्रा दा मतलब नहीं हुंदा अंदर जिथे चले ने, जिस अस्थान ते जा रहे ने उस वास्ते कोई श्रद्धा नहीं। उस विच भी कोई अपना ही मनोरथ है। पहला मनोरथ ता ये कि लोग चंगा कहणगे, आंढी गुआंढी माण नाल सिर झुकाउणगे वापस आए ने। कई बार कई यात्रावां विच देखण विच ते सुणन विच आउंदा है कि लोग यात्रा करन जांदे ने पर उत्थे जाके व्यापार करदे। बहाना यात्रा दा, करना व्यापार। मन खोटे तन चोर। इस शरीर नाल तीर्थ अस्थान ते जाके भजन सिमरन करना सी, संतां दी सेवा करनी सी, संगतां दे जोड़े झाड़ने सन। ये व्यापार करन लग पिया यात्रा ते जाके। नावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर। एक पाओ लथी नातियां दोए पा चढ़ियस होर। इस तरह एक पार जे नहाउण नाल लै गया तां उत्थे कीती हुई बुरियाई नाल दो पार होर चढ़ गए। खटण गया सी, गवा के आ गया। कबीर जी पास संत महापुरुष आए, बेनती की, महाराज आपका आश्रम तो गंगा किनारे है, गंगा दे नज़दीक है, ते साढ़े नाल चलो इशनान करन वास्ते। कबीर जी कहिंदे कि संगतां बहुत जुड़दियां ने, नाम दी चर्चा हुंदी है, अकाल पुरख की उस्तत हुंदी, उस सतसंग नूं छड्ड के किवें जां। मैं तो जिस तरह तुसी संत लोग मेरे घर आयो उन्हां दी सेवा करनी ही इशनान समझदा। ओ भगवान मेरे तो जितनी करा लवे, ये मेरा इशनान है सेवा। वो कहन लगे जी जरूर चलो नाल। सारे ही संत कहन लग पे। कबीर जी ने आख्या कि मेरी अपार खुशी है, ऐ मेरी तूंबड़ी लै जाओ, ये समझना कि मैं ही तुहाडे नाल चलिया। इस तूंबड़ी का इशनान करा लिया। चले गए, इशनान किया। सारे संतां ने उस तूंबड़ी का गंगा जी विच इशनान कराया। सारिया ने वारी वारी कि ऐसा ना होवे कि कबीर जी का बचन मनणों मैं रह जावां। सारिया ने इशनान करवाया, वापस आ गए, कबीर जी नूं तुंबी दित्ती। कबीर जी ने आख्या, लो भाई तुसीं इशनान तां करवाया है इसका, पर देखो ये तुंबी जिस लकड़ दी है ये कौड़ तुम्मे दी है, उस लकड़ दी है, कौड़ी लकड़ दी है जो इस विच पुड़त्तन है। तुसीं कितनी बार गंगा जी विच इसनूं इशनान करवाया, वो पुड़त्तन ना गई। इसे करके समझाउण वास्ते ही मैं तुंबी दित्ती सी कि जिहड़े इंसान जांदे ने जे मन दी कुड़त्तण ना गई तां जाण दा नहाउण दा कोई मतलब नहीं। बाहर तोती तूंबड़ी अंदर विसन कोर।
भले अणनातिया चोर से चोरा चोर जल के मजन जे गत गोए नित नित मेंढक ना चल के मजन जे गत गोए नित नित मेंढक नावे जैसे मेंढक तैसे होए नर फिर जो फिर जो नी आवे जो नी आवे जो राम एक ही देवा साचा नावन गुर की सेवा जो चानावन गुर की सेवा पूजो हो राम पूजो हो राम जो राम एक ही देवा साचा नावन गुर की सेवा पूजो राम एक ही देवा साचा नावन गुर की सेवा साचा नावन नावण गुर की सेवा गुर की सेवा पूजो राम एक ही देवा साचा नावण गुर की सेवा पूजो राम एक ही देवा साचानावण गुर की सेवा पूजो हो राम पूजो हो राम मनोगों कठोर मरे बनारस नरक न बाँचा जाई मनोगों कठोर मरे बनारस नरक न बाँचा जाई। कबीर जी कहंदे ने
कि जेड़ा मन प्रभु दे प्रेम विच रत्ता होया नहीं, कठोर है, जिस हिरदे विच प्रेम नहीं, वो भावें बनारस विच शरीर छड़ दे, उत्थे ही तप करदा होया शरीर छड़ दे, जे मन विच प्रेम नहीं तां वी वो नरकां तों अपना बचा नहीं कर सकदा, नरकां तों छुटकारा नहीं पा सकदा। उस वेले ब्राह्मणा ने पंडिता ने एक गल आखी होई सी कि जेड़ा प्राणी इस कांशी दी धरती विच इस धरती ते शरीर त्यागेगा, इस बनारस के इलाके विच शरीर छड़ेगा, वो सुरगा नू जाएगा। पर कबीर जी कहंदे ने कि जेड़ा हरि दा भजन करदा है, भगत है, जिस दे हिरदे विच प्रेम है, वो भावें हड़म्बे दी धरती ते मरे, ये धरती वो है जिस लई ब्राह्मणा ने पंडिता ने यह आख्या होया सी कि जेड़ा इंसान इस मगहर दी धरती ते हड़म्बे दी धरती ते मरेगा वो नरकां नू जाएगा। पर कबीर जी कहंदे ने कि जेड़ा हरी दा प्यारा है, जे वो हड़म्बे दी धरती ते भी मरे, उस इलाके विच शरीर छड़े, वो इकला ही नहीं तरेगा, सगली सैन तराई, अपने साथियां नू भी तार लेगा। गल तां नाम दी है, तो साध संगत हैरानी वाली गल कि कबीर जी ने शरीर भी मगहर छड़िया सी, ये भरम दूर करन वास्ते, क्योंकि उदों अखौती धर्मियां ने कहा सी कि जिहड़ा इत्थे शरीर छड़ेगा वो नरकां नू जावेगा। पर कबीर जी कहंदे कि ये एक भरम है, भुलेखा है, ये वहम है। जे हिरदे विच नाम होवे, उस परमात्मा दा प्रेम होवे, धरती भावें कोई होवे, वो निश्चित ही जदों शरीर छड़ेगा तां अकाल पुरख दे चरणा विच पहुंच जाएगा। हर का संत मरे हड़म्बे, तां सगली सैन तराई, तां सगली सैन तराई, सगली सैन तराई, सगली सैन तराई, सैन तराई, पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुर की सेवा, पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुर की सेवा। गुरु अमरदास जी जदों अजे गुरु अंगद देव जी पास सेवा करन नहीं सन लगे, सिख नहीं सन बने, उस वक्त भी प्रभु दी तड़प तां लगी रहिंदी सी, प्रभु मिलन दी इच्छा चरोकनी सी। इसे लई
तीर्थ यात्रा जांदे, खासकर हरिद्वार गंगा जी पहुंचदे, इशनान करदे अते उत्थे नजदीक तपोवन, जिस तपो भूमि ते अनेकां साधु संत प्रभु दे प्यार वाले रहिंदे, ये बाबा अमरदास जी भी उन्हां दी संगत करदे। इशनान करन तों बाद उन्हां दे विचार सुनदे, यात्रा करके वापस आ जांदे। इसे तरह लगातार जांदे आं, 20 वरे बीत गए, 20 वार गंगा जी इशनान करन वास्ते गए। एक वार दा जिक्र उत्थे ही एक बगीचे विच लेटे हुए सन, खब्बे गोडे ते सज्जी लत रख के, सामने पंडित दुर्गा दत्त जी लंघ रहे सन। उन्हां दी नजर पै गई गुरु जी दे चरण ते, जिहड़ा पैर उपर कीता होया सी। रेखा वेख ली, नजदीक आया। जदों पंडित जी ने नमस्कार कीती उस रेखा नूं वेख के, तां बाबा अमरदास जी एकदम उठे, आख्या महाराज तुसी मेरे सिर ते क्यों भार चढ़ाउंदे हो, मैं एक गरीब आदमी, मैं तां पुन कमाउण वास्ते आउंदा हाँ, ते तुसी मैनू नमस्कारां करदे हो, मेरे विच कोई गुण ऐसा नहीं। पंडित दुर्गा दत्त कहण लगा कि मैनू नहीं पता ये अकाल पुरख की रजा किवें वर्तनी है, इस जिंदगी विच जां तुसी चक्रवर्ती बादशाह बनोगे, सीस ते चौर झुलेगा, जां कोई वड्डे पीर बनोगे तद भी सीस ते चौर झुलेगा। तो गुरु जी कहण लगे, ये मैनू लगता नहीं, क्योंकि मैनू तां उस प्रभु मिलाप की तड़प है, पर अजे तक मन नहीं टिकदा, गल नहीं बनती, अशांत है मन। वो पंडित दुर्गा दत्त कहण लगा कि वो वक्री गल है कि अजे तुसी अशांत हो, पर मेरी ज्योतिष विद्या दे हिसाब नाल तुसी इस जीवन विच उच्ची पदवी ते पहुंचोगे, चौर झुलेगा, दुनिया नमस्कारां करेगी, वड्डे वड्डे दुनिया दे इंसान तुहाडे कदमां ते झुकणगे। बैठे रहे विचारां होईयां, बाबा अमरदास जी ने पंडित जी की सेवा करन वास्ते मठियाई ले आंदी, छकाउण लगे। पंडित जी ने मठियाई का टुकड़ा चुकिया, खाण लग्या उन्हां नूं याद आया, पुछया कि अमरदास जी तुहाडा गुरु धारण कीता होए, वो कहण लगे नहीं मेरा गुरु तां नहीं धारण कीता। दुर्गा दत्त जी ने मठियाई उत्थे ही छड्ड दित्ती, आख्या कि जिहड़ा निगोरा पुरश है मैं उसके हाथ की कदे चीज नहीं खाधी, मैं समझदा हाँ कि निगोरे पुरश की कोई वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहीदी। तो साध संगत गुरबाणी विच भी गुरु साहिबान ने दस्या है कि सतगुर बाजो गुर नहीं कोई, निगुरे का है नाओ बुरा, निगुरे पुरुष दा तां ना लैणा भी बुरा है। तो पंडित दुर्गा दत्त ठीक कह रहे से, वो उठ के चला गया, पर ये बचन बाबा अमरदास जी दे सीने विच तीर वांगू खूब गया।
वापस घर आ गए। नींद गवाच गई, अशांति तो अगे भी सी, पर हुण कोई पारा वार ना रहा, मन इतना अशांत हो गया। कुछ दिन बीते इसे तरह, सोचदिया दिन लंघ जांदा, रात भी सोचदिया लंघ जांदी। एक रात अद्धी रातों बैठे भजन कर रहे, अमृत वेला होया। बाबा अमरदास जी दे भरा दी नूं, जिसका नाम है बीबी अमरू, वो अमृत वेले उठी, इशनान कीता, दुध विच रिड़कना पाया, दुध रिड़कना शुरू कीता, ते नाल नाल पाठ कर रहे ने बाणी दा पाठ। वो धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दी पवित्र बाणी दा पाठ, जो हर एक गुरसिख नूं हुक्म है कि अमृत वेले उठ के बाणी नाल जुड़ना। बीबी जी उठे ने, इशनान करके बाणी नाल जुड़े, कर इशनान सिमर प्रभ अपना। बाबा अमरदास जी नूं वो बाणी सुन के बड़ी शांति आई, क्योंकि वेड़ा नाल ही सी, दरम्यान विच छोटी जी कंध सी, बड़ी शांति आई। कई बार मन होया कि नज़दीक चलिया जावां, पर बच्ची है, नूह है, पास नहीं गए, दूर बैठे जितनी बाणी सुनदी सी सुनी गए। दिन चढ़िया, अपने भरा दे घर गए, बीबी अमरो नूं बड़ा प्यार दिता ते पुछया कि बीबी अमृत वेले जेड़ी तू बाणी पढ़दी सी वो किस दी बाणी है। मैनू बड़ी शांति आई। बीबी अमरो ने दसिया कि पिता जी ये बाणी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दी, ते पुत्री वो किथे ने, पिता जी अजकल गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह शरीरक तौर पर इस दुनिया विच नहीं रहे, उन्हां दी जोत गुरु अंगद देव जी महाराज दे विच विराज रही, वो मेरे पिता जी ने। ते अच्छा बेटी, फिर मैनू दर्शन करा, तू साध संगत दर्शन कराउण वास्ते बीबी जी चले गए। खडूर पहुंचे, संगत जुड़ी हुई है, कीर्तनी कीर्तन कर रहे हैं। बीबी अमरों ने जाके मत्था टेकिया, अंतरयामी सतगुरु ने, दूसरे पातशाह ने आख्या, पुत्री जिसनू नाल लैके आई है बाहर क्यों छड़ आई, उसनू भी अंदर लै। तो बीबी जी की खुशी का भी कोई अंत ना रहा। लै आंदा दीन दुनी दे वाली गुरु अंगद देव जी महाराज, बाबा अमरदास जी नू अपने आसन तो उठ के मिले ने, क्योंकि कुड़म दे भाई साहब लगते हैं, ये सत्कार है। उठ के मिले, गल वकड़ी पा ली, वो चरणा नू झुकते सन, पर गुरु जी कहते नहीं तुसी वड्डे हो। बाबा अमरदास जी ने बेनती की, सच्चे पातशाह मैं तो भिखारी बन के आया, मैं कुड़म बन के नहीं आया, भिखारी बन के आया। बैठ गए, संगत हुई,
गुरु जी ने पूछया किस तरह आने होए तो बाबा अमरदास जी ने बेनती की कि मन की शांति लैन वास्ते आया है, मन विच अशांति है। तो गुरु अंगद देव जी ने आख्या कि गुरु नानक साहब का दर खुला है, आओ करो सेवा, सेवा नाल शांति मिलेगी। जो राम एक ही देवा साचा नावण गुरु की सेवा, साचा नावण गुरु की सेवा। ओ जो राम, ओ जो राम। नारायण वेद नहीं शास्त्र तहां बस निरंकारा, दिनस नारायण वेद नहीं शास्त्र तहां बस कबीर नर तिसे त्याव हो बावरिया संसारा, बावरिया संसारा, बावरिया संसारा, बावरिया संसारा। साचा नावण गुरु की सेवा, पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुरु की सेवा, साचा ना।